नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग आईक्यू में। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2021-20 के मेंस के कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं कि आईडीबीआई बैंक पीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पर ह्यूज वैकेंसीज़ के साथ आउट हुआ है, तो जो लोग भी फॉर्म फिलअप करना चाहते कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांस उनके क्वालिफाई करने के एग्ज़ाम में, क्योंकि सिंगल पेपर होना है यहाँ पर डायरेक्ट मेंस का। ठीक है, सीधे डायरेक्ट मेंस का पेपर होगा यहाँ पर। तो जो लोग जो बच्चे हैं अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है सिंगल पेपर में निकालने की। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर की आज हम बात करने जा रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा आखिर होता क्या है। डेटा इज़ अ रॉ इन्फॉर्मेशन और अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन। डेटा जो होता है अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होता है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे प्रोसेस नहीं किया गया है। और इन्फॉर्मेशन क्या होगा, जो क्या होगा प्रोसेस्ड डेटा होगा वो क्या होगा। ठीक है, जो प्रोसेस्ड डेटा होगा वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड। इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन क्या होता है, प्रोग्राम होता है। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अपनी भाषा में अगर बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की मदद करे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारी मदद करे। ठीक है, चलिए देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रोवाइड्स अ बेस प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट एंड डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्रोग्राम। इट इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर, कोऑर्डिनेट ऑल हार्डवेयर, एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस। ठीक है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिंकर एंड लोडर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है, लिंकर और लोडर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखो लैंग, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं आर यूज टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम एंड डिवाइसेस, जो डिवाइस की जो है परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है वो क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस और डेटा बैकअप सॉफ्टवेयर, डेटा क्लीनअप, फायरवॉल, फाइल मैनेजमेंट टूल, कंपेरेशन सॉफ्टवेयर, डिस डिफ्रेगमेंट, डिवाइस ड्राइवर एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं हम। इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड फॉर द यूज़र टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क लाइक राइटिंग अ लेटर, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सीइंग एनी वीडियो। फॉर ऑल दिस रिक्वायरमेंट देयर रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर द ईच टाइप एंड दैट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर That is designed for some specific purpose. ठीक है, अब देखो application software में word processor, MS Word, Paid, Star, Coral, Perfect, Google Doc, database software, MS Excel, FileMaker, DBase, Clipper, MySQL, Firefox Pro. ठीक है, web browser, ये भी क्या है application software है, Google Chrome है, Mozilla Firefox है, Internet Explorer है, Opera Mini है। क्या है web browser, ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप, पिस्का, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेलिंग सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन होते हैं, एमएस आउटलुक, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एमएस एक्सेल, लोटस 123, ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमारी मदद करते हैं। फर्मवेयर क्या होते हैं, देखो इट इज़ एक्चुअली अ परमानेंट सॉफ्टवेयर विच इज़ एम्बेडेड इन द सिस्टम, रीड्स ओनली मेमोरी। फर्मवेयर क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रोम में उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं फर्मवेयर कहाँ पर स्थित होते हैं, परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं, तो ये रोम में होते हैं। इट इज़ इसेंशियली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर परमानेंटली स्टोर्ड ऑन टू द हार्डवेयर डिवाइसेस। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्मवेयर आर बायोस। बायोस क्या है, फर्मवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है, तीन चार सॉफ्टवेयर के नाम दे देंगे, बोलेंगे फर्मवेयर का उदाहरण बताइए, तो आपको याद रखना है बायोस है। फ्रीवेयर, these software are available free of cost, a user can easily download them from the internet and can easily use them without paying any charge or fees.
हाउ एवर दे डोंट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ लाइ है ना लिबर्टी टू मॉडिफाई द इंटायर सॉफ्टवेयर और चार्जिंग अ फिक्स फी फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जो फ्री में अवेलेबल होते हैं क्या होते हैं, वो फ्रीवेयर होते हैं. शेयरवेयर क्या होते हैं, देखो दिस सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली टू यूज़र ऑन अ फिक्स ट्रायल बेसिस. जो ट्रायल बेसिस पे होते हैं ना वो होते हैं क्या, शेयरवेयर. इट जनरली कम्स विथ अ सेट लिमिट टाइम लिमिट एंड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम लिमिट द यूज़र इज फाइनली आस्क टू पे अ फिक्स्ड फी फॉर द कॉन्टिन्यू सर्विसेज. ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूजली अवेलेबल टू यूज़र अलॉन्ग विथ देयर सोर्स कोड विच मीन्स दैट द यूज़र कैन ईजिली मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर एज वेल एज एडेड एडिशनल फीचर टू देम. दे कैन ईदर बी चेंजेबल और फ्री. ठीक है, टेलर मेड होते हैं, बिस्पोक होते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं. टेलर मेड सॉफ्टवेयर ऑल्सो नेम द कस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और अदर यूज़र. ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा वो टेलर मेड सॉफ्टवेयर होंगे, याद रखिएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. दिस इज वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज द रिसोर्स कंट्रोलर ऑफ आवर सिस्टम. ठीक है, इट वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच क्या इंटरफेस का काम करता है. ठीक है, फंक्शंस क्या है iOS के, देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मैसेजिंग सर्विसेज, एरर डिटेक्शन, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन. ठीक है, विन इन शॉर्ट मीन्स विंडोज. ठीक है, विंडोज वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर द ऑफिस वर्क सॉल्यूशन. ठीक है, इन बिल्ड वेब ब्राउजर इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ ब्राउजर फॉर विंडोज 10, लिस्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट कौन कौन सी, देखो सबसे पहले क्या है 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0 आया, 3.1 आया, 3.1 NT आया, यहाँ से लेकर 3.5 तक के वजन आए, 95 आया, NT 4.0 आया, 98 आया, 2000 आया, AMI आया, XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 और विंडोज 10. ठीक है, मैकिंटोश, द फुल फॉर्म ऑफ द मैक इज मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट वर्जन ऑफ मैक ओएस वाज आल्सो नोन एज द क्लासिकल मैक ओएस. इट वॉज डिजाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ एप्पल इन 1984. इन बिल्ड वेब ब्राउजर इज सफारी. देखो मैकिंटोश में जो इन बिल्ड ब्राउजर आता है वो क्या होता है, सफारी होता है. ठीक है, और एंड्रॉयड में क्या आता है, क्रोम. ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ मैक ओएस, चीता, प्यूमा, जेगुआर, पैंथर, टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, लायन, माउंटेन लायन, मैवरिक, या है ना योस्मिथ, एल कैप्टन, सेरा, हाई सेरा, मोजेवा, कैटलीना, लेटेस्ट है कैटलीना. ठीक है, बिग सोर टू बी अनाउंस्ड. ठीक है, याद रखना कैटलीना और बिग सोर तो याद ही रखना. देखो एंड्रॉयड आ गया, इट इज़ एसोसिएटेड विद गूगल, किसके साथ एसोसिएट है, गूगल के साथ. इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट वर्जन वॉज रिलीज इन सेप्टेम्बर 2008. नेम ऑफ द एंड्रॉयड ओएस सिस्टम आर कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रोयो, गिंगरबर्ड, हनीकॉम्ब, आइसक्रीम, सैंडविच, जेलीबीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगट, ओरियो, पाई, एंड्रॉयड 10Q. ठीक है, जो खाने पीने के नाम के ऊपर रखते हैं एंड्रॉयड के ऊपर, और जो याद रखना खूंखार जानवरों के नाम पे अगर रखे जाएंगे तो वो होगा मैकिंटोश. ठीक है, लिनक्स, इट वॉज डेवलप्ड बाय लिनक्स टॉरवेल्स इन 1991. इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी कंपनी, इट इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ हाईली सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. सम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर उबंटू, मिंट, फेडोरा, रेड हार्ट, सेंटोएस, ओपन सेल्स, जेंटू, डिबियान, मेन ड्राइव, स्लेकवेयर एटसेट्रा. यूनिक्स, ओल्ड नेम था यूनिक्स, इज अ यूनिक्स, फुल फॉर्म यूनिक्स और यूनिक्स इज अनप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम. यूनिक्स इज अ फॉर्मली ऑफ मल्टी टास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन 1991 एट द बेल लैब रिसर्च सेंटर बाय केन थॉम्सन.
डेनिस रिची एंड द अदर्स सम एग्जांपल ऑफ यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट SCO, जेनिक्स HP UX, IBM AIX, SGI Irix, Oracle Solaris, True64 Unix, Apple Darwin, FreeBSD, Berkeley Software Distribution, NetBSD, ठीक है, MS-DOS, Microsoft Disk Operating System by Microsoft, it is a command line operating system, it is single user and single tasking operating system, Microsoft renamed its PC DOS, the IBM version and MS-DOS Microsoft version, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देख लो कितने होते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक, दीज आर ओल्डेस्ट सिस्टम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑपरेटर बैचेस टुगेदर जॉब्स विद सिमिलर नीड्स एंड रन देम थ्रू द कंप्यूटर एज अ ग्रुप इफ वन जॉब इज फुली एग्जीक्यूट देन ओनली अनदर जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड इन बैच प्रोसेसिंग नो एनी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ जॉब इज यूज्ड एग्जाम पेरोल सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम अब देखो ये पाँच लोग हैं मान लो इसको कोई डाउट आया ये पूछने मेरे पास आया तो पहले मैं इसको बताऊंगा फिर ये दूसरे वाले को बताऊंगा फिर तीसरे वाले को बताऊंगा फिर चौथे वाले को अगर इसको वापस से डाउट आता है तो और मैं इसको बता रहा हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा पहले इसको बताऊंगा चौथे वाले को फिर इसके बाद आऊँगा इस तरह से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है एक ख़त्म होगा दूसरा चलेगा दूसरा ख़त्म होगा तीसरा चलेगा ऐसा साइकिल में ठीक है नेक्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या है दीज आर वन और more jobs loaded into memory which are ready to execute in multi-programming CPU never sideline multi-programming increase CPU's utilization जैसे अब ये एक दो तीन चार ये चार बंदे हैं पहले वाले को बता दिया दूसरे वाले को क्या हुआ बता रहा हूँ फिर इसको डाउट आया तो मैं इसको बता सकता हूँ ये होता है multi-programming में इस तरह की चीज़ें ठीक है time sharing multi-tasking operating system it is a logical extension of multi-programming मेन ऑब्जेक्टिव टू यूज़ मल्टी टास्किंग इज़ टू मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम टाइम इज शेयर्ड टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर जॉब एग्जाम्पल यूनिक्स विंडोज लिनक्स एट्सेट्रा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू द यूज ऑफ टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम दिस मल्टी CPUs are in a close communication sharing the computer bus, memory and other peripheral devices. It is used to increase throughput of system, economical of cycle. ठीक है Real-time operating system. The real-time operating system used for a real-time application means for those applications where data processing should be done in the fixed and small quantum of time. Next है Real-time operating system के प्रकार ये दो होते हैं एक सॉफ्ट होता है एक हार्ड होता है ठीक है एग्जांपल क्या है सॉफ्ट के डिजिटल कैमरा मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा हार्ड के क्या है एयरबैग कंट्रोल इन कार्स एंटी लॉक ब्रेक इंजन कंट्रोल सिस्टम एट्सेट्रा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखिए अब ठीक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंक्लूड स्पेशल फंक्शन फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इनटू अ लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेटवर्क ठीक है शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉस नोवेल नेटवर्क इसके उदाहरण हैं विंडोज NT 2000 लिनक्स सन सोलारिस यूनिक्स एंड IBM अब देखो लोकल एरिया नेटवर्क अब ये जो आ गया ना लो है ना क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस में काम करता है लेन वेन मेन ठीक है तो आपको चूज करना है लेन को ठीक है तो दोस्तों ये था आज का सेशन उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच